नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। अपने चैनल पर स्वागत है आपका। शुक्र, शुक्र यानी कि सुख, जिस सुख के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, शुक्र उस सुख का नाम है। आसमान में हजारों करोड़ों लाखों तारे हैं और उसमें से एक तारा हमें दिखाई पड़ता है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, वो है शुक्र। यानी कि सैकड़ों लाखों तारों के बीच में भी शुक्र को पहचाना जा सकता है। यानी कि जो सुखी इंसान है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, अच्छा व्यवसाय है, वो सैकड़ों घरों में पहचाना जाता है। आप कहते हैं ना, वो देखिए बड़ी गाड़ी से साहब निकल रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीज़ें, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये तो सुखी हैं और अमीर भी हैं। तो जहाँ पर अमीर शब्द जुड़ता है, सुख जुड़ता है, वहां पर शुक्र का बेहतर होना आपके लिए 100% जरूरी है। तो बिना शुक्र के सुख की कल्पना भूल जाइए। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र 10 अप्रैल को अपनी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 4 मई तक यहीं पर गोचर करेंगे। तो शुक्र क्या है? सुख है। अब सुख क्या होता है? गाड़ी, बंगला, एसी, टीवी, फ्रिज, इन सब का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन के बाद शारीरिक सुखों का सुख, भोजन का सुख, बड़े बड़े होटल, लग्जरी का सुख, बड़ी बड़ी ऐशो आराम की चीज़ों का सुख, प्रमोशन का सुख, कुल मिलाकर जीवन में जो चीज़ आपको सुखी कर सकती है, अगर वो आपके पास है तो आप सुखी हैं, वो नहीं है तो आप दुखी हैं। तो शुक्र जो है वो सुखों के कारक ग्रह हैं। तो आपकी राशि पर शुक्र का यह प्रभाव क्या रिजल्ट देगा? आपकी राशि पर शुक्र का ये परिवर्तन यानी शुक्र का मेष राशि में बैठना क्या बढ़िया परिणाम आपको देगा, क्या सावधानी रखनी है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ से सातवीं घर को देखते हैं। और शुक्र की कौन कौन सी दो राशियाँ हैं? शुक्र को तुला राशि मिली हुई है और शुक्र को मिली हुई है वृषभ राशि। तो शुक्र की कौन कौन सी दो राशियां हैं? आप कह लें वृषभ राशि या तुला राशि, या तुला राशि या वृषभ राशि, इन दो राशियों पर शुक्र का अधिकार होता है। अब शुक्र मेष राशि में जा रहे हैं और ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब मैं आपको आपकी राशि के बारे में बताऊंगा कि 10 से 4 मई के बीच में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, अर्थात 10 अप्रैल से 4 मई के बीच में क्या सुख आपके जीवन में आने वाले हैं, उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं आपकी राशि कन्या की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या परिणाम लेकर आया, आइए जानते हैं। कन्या राशि, आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। धन भाव पर शुक्र की दृष्टि होगी और ये गोचर आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक बिताने की मैं सलाह दूंगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ हर बात साफ करके करनी चाहिए, यानी बातें में गोलमोल नहीं करना चाहिए। आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें गलत फहमी पैदा हो और आपके रिश्ते जो है पारिवारिक लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं, चाहे वो रिश्ता जीवन साथी के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपका घर के किसी अन्य सदस्य के साथ हो। रिश्तों के कारण रिश्तों में तनाव हो सकता है और इसके कारण आपको मानसिक कष्ट और चिंता भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना होगा ताकि आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें और आपकी सेहत पर कोई बड़ा खर्चा ना हो और कोई बड़ी तकलीफ आप ना झेलें, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा।
जो लोग नौकरी करते हैं उनकी यात्राएं हो सकती हैं, या काम के सिलसिले में शहर टू शहर एक ही शहर में इधर से उधर जाना आना हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत में कुछ खराबी आ सकती है। आपको सोच समझ कर हर एक कदम आगे बढ़ाने चाहिए। खाना पीना वही खाएं जो साफ सुथरा और आपके शरीर को अच्छा रख सके। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये एक महामारी का समय चल रहा है जिसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। शुक्र आपके अंदर नकारात्मक सोच विचार लेकर आएंगे, आप नेगेटिव बातें सोच सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मन है वो भोग विलास की तरफ ज़्यादा हो सकता है, काम शिक्षा या व्यवसाय से अधिक। आप भोग विलास या फिर नकारात्मक विचारों से घिरे हुए इंसान हो सकते हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो आप अपनी पत्नी से झगड़ा करने वाले इंसान होंगे, कड़वा बोलने वाले इंसान होंगे। सिर्फ पत्नी ही नहीं, और लोगों से भी कड़वा बोलेंगे और लड़ने वाले होंगे, और किसी भी स्त्री के ऊपर अपनी ताकत को आजमाने वाले इंसान होंगे, और अपनी पत्नी से बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करने वाले इंसान भी हो सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो। जो भी लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको आपकी टीम का सपोर्ट मिलेगा, व्यापारी वर्ग को बढ़िया मुनाफा होगा, लेकिन सुख चैन शांति नहीं होगी। आपको व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए परिवार को अच्छा रखना होगा, खुद को अच्छा रखना होगा, सेहत को अच्छा रखना होगा। आपको यह गोचर कहीं ना कहीं धन दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, इसके लिए वासना विलासता पर काबू रखना होगा, जुबान पर काबू रखना होगा। यह गोचर आपका फंसा हुआ पैसा निकलवाने में मदद कर सकता है, ये बेहतर बात है। कहीं दिया हुआ पैसा है जो नहीं मिल रहा है वो मिल सकता है। शुक्र का ये गोचर आपको नया प्यार और नया व्यापार भी दे सकता है, क्योंकि इस समय में आप कोई नया स्टार्टअप लगाने की सोच सकते हैं, आपका किसी से दिल जुड़ सकता है, आपकी आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ेगी, लेकिन मैंने कहा सुकून घटेगा। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपकी रुचि जो है शुभ कामों में होनी चाहिए, आपको शुभ काम करने चाहिए ताकि आपके दिमाग को सही दिशा मिल सके। आपको अपनी आंख पर ध्यान देना है, इसमें चोट इत्यादि लग सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है। आपको इस समय में अपनी आंख की समस्याओं को हल्के में नहीं लेना है, और खान पान की समस्याओं को भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत ध्यान रखना है खाने पीने का और आँख का। आप अपनी ताकत का इस समय में गलत प्रयोग करेंगे, आप अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे, और देखेंगे कि आपकी सफलता उससे कम हो रही है। शुक्र आपको बड़ी बड़ी सफलताओं के करीब लेकर जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के करीब लेकर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी नासमझियों से उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे जितना उठाना चाहिए। आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से किसी का अपमान ना करें, और वासना विलासता भोग विलास में पढ़कर अपने रिश्तों को ना बिगाड़ें, और कोई ऐसी हरकत आपसे ना हो जाए जिसकी वजह से आपको कानूनी चक्कर लगाने पड़े और आप पर कोई आरोप लग जाए। तो ये गोचर जो है, शुक्र का ये गोचर जो है, आपके लिए सफलता लाया है, लेकिन सफलता शर्तों पर लाया है। अगर आप उसकी शर्तों पर खरे उतरे तो सफल हो जाएंगे, अगर शर्तों पर खरे नहीं उतरे तो फिर तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, योग प्राणायाम का सहारा लेना है, अपने मन के जो राक्षस है, जो भोग है, जो विलास है, उसको मारना है। और इस गोचर काल में अगर आप शराब मदिरा मांस मछली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो फिर आपकी बुद्धि और सोच भी वैसी ही हो जाएगी। बच्चे पढ़ाई तो करेंगे लेकिन मन कहीं और होगा, यानी कि किताबें हाथ में होंगी ज़रूर लेकिन अंदर उनका मन भोग विलास में ही लगा होगा। सोशल मीडिया, टीवी, कंप्यूटर पर हो सकता है आपके बच्चे कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें देखें जो उनके भविष्य को ख़राब कर सकती हैं। तो आपके बड़े होने के नाते आपके फ़र्ज बनते हैं कि आप उनको कंट्रोल करें और उनको डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। और अगर आप परिवार में खुद लड़ रहे होंगे
तो परिवार में आपको देखकर जो छोटे हैं आपके, आपके जो बड़े हैं परिवार के, वो भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, यानी कि हाथ से तीर छूटा तो किसी न किसी को घायल जरूर करेगा। अपना ख्याल रखें, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है तो उसको सुधारने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।